हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच आफ्टर द मैच जो इंसिडेंस हुआ है वो बिल्कुल ही हेल्दी इंसिडेंस नहीं है। और इस घटना के बाद जो भी यंगस्टर्स है उन लोगों को एक सीख लेना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में अगर इस तरह का कोई घटना आए तो आप वहाँ से किस तरह से बाहर निकलते हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि डेलकर ने कहा है कि ऑलवेज एवॉयड एकीट एंगल, मीन्स जहाँ आपके वजह से कोई झगड़ा हो सकता है वहाँ से आप कोशिश करें कि अपने आप को दूर ले जाए, इस तरह का इंसिडेंट्स ना हो पाए। क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। विराट कोहली ऑलरेडी 25,000 इंटरनेशनल रन्स कर चुके हैं और उनको न्यू गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सो विराट कोहली किसी भी इस तरह का इंसिडेंट्स में ना आए, यही हमें सीख लेना चाहिए। सो अगर आप यंगस्टर्स है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। विराट कोहली अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट में ये लिखा है कि एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन नॉट ए फैक्ट, एवरीथिंग वी सी इज ए पर्सपेक्टिव नॉट द ट्रूथ। खैर जो भी है, विराट कोहली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर लाइंस लिखा है। अभी हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट में पीछे चलते हैं। इंडिया लास्ट 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था, उस वर्ल्ड कप में हमारा गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों ने ही एक अच्छी पारी खेली थी। जब फाइनल में इंडिया का वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद हमारा इंडियन इनिंग्स को संभाला था ये दोनों प्लेयर, गौतम गंभीर और विराट कोहली। दोनों ही दिल्ली के हैं, नॉर्थ के हैं, एग्रेसिव प्लेयर है। कोई कोई इस इंसिडेंट्स के बाद पुराना विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच 2013 का आईपीएल का एक इंसिडेंस हुआ था इसी तरह का, उसको भी लेकर आ रहे हैं, उसका जिगर कर रहे हैं। विराट कोहली हमेशा ही हमने देखा है कि वो एग्रेसिव है, मैच में बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। इस इंसिडेंस के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर का 100% मैच फी डिडक्ट कर दिया है, यानी कि फाइन लिया गया है। और नवीनुल हक जो अफगानिस्तान के प्लेयर है उनका 50% मैच फी डिडक्ट कर दिया गया है। और जरिया जो इस इंसिडेंस का हुआ था, वो शुरू हुआ था वो नवीनुल हक का साथ 17वें ओवर से। 17th ओवर में थोड़ा सा नोकझोंक विराट कोहली और नवीनुल हक के बीच हुआ था, बीच में अंपायर और अमित मिश्रा ने उस मामले को ठंडा किया। लेकिन बाद में आफ्टर द मैच नवीनुल हक ने जिस तरह से विराट कोहली के साथ हैंडशेक किया और उनका हाथ को जिस तरह से झटका मारकर हटा दिया, वो सच में अनस्पोर्टिंग है। नवीनुल हक का स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है, ये इससे पहले भी देखा गया था। एक इंसिडेंस हुआ था शाहिद अफरीदी के साथ, और कल जो इंसिडेंस हुआ नवीनुल हक का वो बहुत ही गंदा चीज़ था। क्योंकि ऑन फील्ड जो भी हो रहा है, आफ्टर द मैच यू शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, क्रिकेट को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और वहाँ पे नवीनुल हक टोटली गिल्टी है। और उसके बाद विराट कोहली का दिमाग और भी गर्म हुआ, और बाद में जब उस मामले में फिर गौतम गंभीर ने पढ़ा तो गौतम गंभीर को भी विराट ने नहीं छोड़ा। वहाँ पे गौतम गंभीर का भी गलती है, गलती दोनों का ही है। गौतम गंभीर पिछला जो मुकाबला हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहाँ पे जब आरसीबी हार गया था लास्ट बॉल में एक विकेट में, तब गौतम गंभीर ऑडियंस के तरफ इस तरह से मुंह कर ऑडियंस को चुप करा रहा था। और वही चीज विराट कोहली कल किया, लेकिन विराट कोहली एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि लखनऊ स्टेडियम में वो जब सारा ऑडियंस को इस तरह से दिखा रहा था, तो विराट कोहली को जानना चाहिए था कि उस स्टेडियम में, लखनऊ में, विराट का काफ़ी सारा फैन है। क्योंकि भारत में शायद ही कोई होगा जो विराट कोहली का फैन नहीं है। सो विराट कोहली को ज़रूरत नहीं था गौतम गंभीर जैसा एक्टिंग करने का। खैर जो भी है, इसमें हरभजन सिंह ने एक बहुत सुंदर सा बात कहा है। हरभजन सिंह को हम हमेशा दाद देना चाहिए कि उन्होंने पब्लिकली
ऑन एयर टेलीविजन में आके माफी मांगा था जब हरभजन सिंह और श्रीशांत का बीच एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एग्रेसिवली हरभजन सिंह ने श्रीशांत को एक थप्पड़ मार दिया था। और आज भी उस इंसिडेंट को लेकर रिपेल करते हैं हरभजन सिंह। और हरभजन सिंह ये सजेशन भी दिया है कि आज जो विराट कोहली और गौतम गंभीर ने किया है, आज से 10 साल बाद उन लोगों का जरूर ये पछतावा होगा। आज इरफान पठान ने एक बहुत खास बात बताया है कि एडिलेड में जब गौतम गंभीर कम रन में आउट हो रहा था, उस टाइम में गौतम गंभीर का बैड पैच चल रहा था, उस टाइम में ड्रेसिंग रूम के बाहर कुछ ऑडियंस गौतम गंभीर को ट्रॉल कर रहा था। और उस टाइम में विराट कोहली वो क्रिकेटर था जो एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में निकल कर आया और बोला कि आप जिस क्रिकेटर के बारे में ट्रॉल कर रहे हो, जानते हो वो पीछे बैक में कितना रन बनाकर आया है। सो विराट कोहली हमेशा अपना टीम मेंबर्स को बैक करता है। और गौतम गंभीर भी ऐसा है। एक बार गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच नहीं लेकर विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच दिया था। सो दोनों ही बहुत बड़े क्रिकेटर है और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये बात अनिल कुंबले ने कहा है कि ऑन द फील्ड एग्रेसिवनेस जो है वो सही है, लेकिन आउट ऑफ द फील्ड आफ्टर द मैच जब आप आते हो तो एक दूसरे से सही ढंग से हैंडशेक करना ये एक जेस्चर है। सो अनिल कुंबले ने डिप्लोमेटिकली ये बात बताया है, लेकिन रविन उथप्पा जो हमेशा अपना बैटिंग के टाइम में स्ट्रेट बैट में खेलता था, बहुत ही कमाल का शॉट मारता था, वो स्ट्रेट बैट में कहा है कि विराट कोहली अब कोई 21 इयर्स ओल्ड प्लेयर नहीं है कि वो इस तरह का बिहेवियर करे, क्योंकि विराट कोहली का हर कोई फैन है और विराट कोहली से यंगस्टर बहुत कुछ सीखते हैं। सो इस तरह का अगर बिहेवियर विराट कोहली करते हैं तो ये यंगस्टर्स के साथ गलत मैसेज जाएगा और वो भी यही चीज सीखेंगे। एग्रेसिवनेस इज गुड बट विद द सीनियर व्हेन यू टॉक, सो यू टॉक सॉफ्टली। लेकिन खैर ऑन फील्ड क्या हुआ था हम कोई भी नहीं जानते, कौन किसको क्या बोला था ये हम नहीं जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है ये अलग ही बात है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो इंसिडेंट हुआ है ये इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए था। और यंगस्टर्स को यही सीखना चाहिए कि इस तरह का इंसिडेंट से किस तरह से बचे, क्योंकि ऑलवेज अवॉइड एक्यूट एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।